छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सामने आया लव जिहाद का मामला। प्रेमी के अत्याचार की शिकार पीड़िता ने अस्पताल में तोड़ा दम। दानिश नाम के युवक पर लगाया गंभीर आरोप। अनाथ पीड़िता एक हिंदू परिवार में थी पली बढ़ी, बाद में दानिश से अफेयर के बाद उसी के साथ लिविंग में रहने लगी। पीड़िता के मुताबिक उसने एक बच्ची को जन्म दिया, पर दानिश ने उसे कहां रखा ये नहीं बताया। झारखंड की मॉडल मानवी राज लव जिहाद मामले में मुंबई की वर्सोवा पुलिस में आरोपी तनवीर के खिलाफ दर्ज करा चुकी है केस। बाद में से अम्बोली पुलिस स्टेशन ट्रांसफर किया गया। अम्बोली पुलिस ने दर्ज किया मानवी का बयान। मानवी का आरोप, तनवीर ने 25 फरवरी 2023 को चलते ऑटो में हत्या की कोशिश की थी। उस वक्त तनवीर के पास एक गन भी थी। कल रांची पुलिस भी मुंबई पहुंची, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड करेगी मॉडल मानवी का बयान। आरोपी तनवीर पर मानवी के माता पिता ने लगाए गंभीर आरोप। कहा तनवीर दो बार मानवी की हत्या की कर चुका है कोशिश। मानवी के बयान से हुए कई बड़े खुलासे। तनवीर कॉल व्हाट्सएप मैसेज पर गाली गलौच और अभद्र भाषा का कर रहा था इस्तेमाल। उदयपुर में लव जिहाद मामले में सुनवाई में वकीलों ने किया कोर्ट में जमकर हंगामा। एक छात्रा ने आसिफ नाम के युवक पर लगाया जबरन धन परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाने का आरोप। पीड़िता का बयान, आसिफ ने बात न मानने पर दिल्ली हत्याकांड जैसा हश्र करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी आसिफ भुट्टो सहित उसके पिता और भाई को किया गिरफ्तार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी के हाथों से करवाने की तैयारी में राम मंदिर ट्रस्ट। पीएम को भेजा जाएगा निवेदन पत्र। ट्रस्ट के पत्र में पीएम को किया जाएगा निवेदन। दिसंबर से 26 जनवरी तक के बीच तय हो सकती है तारीख। अयोध्या में 7 दिन तक मनाया जाएगा उत्सव। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पीएम को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप कर रही है तय। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया पूरी तरह सेक्युलर पार्टी। कहा मुस्लिम लीग में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं। मुस्लिम लीग से गठबंधन से जुड़े सवाल पर बोले राहुल गांधी, विरोध करने वालों को उसके बारे में ठीक से पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा बातचीत से सुधर सकते हैं जम्मू कश्मीर के हालात। जम्मू कश्मीर की हर आवाज को सुनना होगा। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा राहुल गांधी का बयान खतरनाक। जिन्ना की पार्टी भारत तोड़ने के लिए है जिम्मेदार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वॉशिंगटन स्थित नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से की बात। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे राहुल गांधी ने बताया बेरोजगारी और महंगाई को बड़ी वजह। राहुल का दावा कर है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और हम अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। 2024 में पीएम मोदी की राह नहीं होगी आसान। बीजेपी ने कहा मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी ने मजबूरी में दिया है बयान। राहुल ने ठीक से नहीं पढ़ा इतिहास। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद शांति बहाली के प्रयासों में लगी भारतीय सेना। छवि खराब करने वाले सोशल मीडिया संदेश का दिया जवाब। भारतीय सेना ने कहा अधिकारियों को किया जा रहा है बदनाम। उन्होंने मणिपुर में बगैर सोए बिना भोजन पानी के हजारों लोगों को बचाया है। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरद सिंह के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ प्लेस में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा आया सामने। ब्रिजभूषण के खिलाफ दर्ज 2 FIR में यौन शोषण और छेड़छाड़ के 10 आरोप 6 रेसलर्स ने लगाए हैं आरोप। पहलवानों के समर्थन में कई शहरों में किसान संगठन और खाप पंचायत हो रहे एकजुट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगी खाप पंचायत की बड़ी बैठक। किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं खाप पंचायत की अगुवाई। टिकैत ने कहा इंसाफ मिलने तक पहलवानों की लड़ाई रहेगी जारी। दिल्ली की सीमाओं को एक बार फिर किया गया है बंद। पहलवानों के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना। आंदोलन की रूपरेखा के साथ ही पता लगेगा खाप प्रतिनिधि किन किन नेताओं से करेंगे बातचीत। 3 जून को बुलाई गई गठवाल खाप की पंचायत बैठक में विचार करने के बाद ठोस रणनीति की हो सकती है घोषणा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पहलवानों के समर्थन में मां गंगा से लगाई अर्जी। उन्हें न्याय दिलाने के लिए की प्रार्थना। हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक संरक्षण देने का लगाया आरोप। रावत ने कहा कि पहलवानों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने द केरला स्टोरी को बताया नफरत फैलाने वाली फिल्म। नसीरुद्दीन के बयान के बाद हो रहा है हंगामा। मुंबई में वेब सीरीज ताज के प्रमोशन पर आए नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह केरल स्टोरी वाले बयान पर बोले इन सब मुद्दों पर बात करने का मतलब नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। पीएम केजरीवाल केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ जुटा रहे समर्थन। केजरीवाल की प्लानिंग बिल को राज्यसभा में करवा दिया जाए निरस्त। केजरीवाल ने कल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से की थी मुलाकात। सीएम एमके स्टालिन ने दिया केजरीवाल को समर्थन का भरोसा। शरद पवार से मिले उद्योगपति गौतम अडानी। शरद पवार ने अडानी से हुई मुलाकात को टेक्निकल कहकर टाला।
मेरे एनसीपी चीफ शरद पवार ने की थी सीएम शिंदे से मुलाकात। ट्वीट में लिखा, मराठा मंदिर के 75 साल, मराठी फिल्में और थिएटर को लेकर हुई चर्चा। नागपुर में कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की भारत की एकता को बनाए रखने की अपील। कहा, इस्लाम ने स्पेन से लेकर मंगोलिया तक पूरी दुनिया पर किया है आक्रमण। भागवत ने देश में चला रहे मुद्दों को सवाल उठाकर कहा, ऐसे में आपसी मतभेदों को बरकरार रखने वाली नीति चलाना ठीक नहीं है। उज्जैन के महाकाल लोक में सप्तऋषियों की मूर्तियां खंडित होने के बाद नंदी द्वार का कलश टूटकर गिरा। कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। थाने में सार्वजनिक निर्माण मंत्री रविन्द्र चौहान के करीबी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज। बीजेपी का आरोप, पुलिस का दे झूठे केस दर्ज। दरभंगा में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान के तहत इनकलाबी नौजवान सभा की यात्रा शुरू। रोजगार सम्मान और जन अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करना है मकसद। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड उज्जैन के महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन। नेपाल से लाए 108 किलो के रुद्राक्ष से होगी पूजा अर्चना। उज्जैन में सुबह 11 बजे से पीएम प्रचंड करेंगे पूजा। मंदिर में आम लोगों के प्रवेश पर लग सकती है रोक। जयपुर में पीडब्ल्यूडी के कई कार्यों का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया आगाज। मुंबई में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बाल हृदय रोगियों से की मुलाकात। गावस्कर से मिलकर खिले बच्चों के चेहरे। रायगढ़ में रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल उद्घाटन में हुए शामिल। मोतिहारी में पेंशन को लेकर आंदोलन की राह पर सरकारी कर्मचारी। कर्मचारियों नगर भवन में की सत्याग्रह सभा। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री ने लाडली बहना योजना में बहनों को दी स्वीकृति पत्र। 10 जून को सभी बहनों के खाते में 1000 की राशि भेजी जाएगी। हाजीपुर में शिक्षक बहाली और नई नियमावली में थम नहीं रहा है बवाल। सरकार की सद्बुद्धि के लिए सरकारी टीचरों ने मंदिर में की पूजा और मजार पर चढ़ाई चादर। उत्तरकाशी बनाए जा रहे कूड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड का लोगों ने किया विरोध। ग्रामीण और महिलाएं कूड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास तंबू गाड़कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। इंदौर नगर निगम परिसर में मजार के अवैध निर्माण पर विवाद। हिंदू संगठन ने पहुंचकर रुकवाया काम। 3 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के बूंदी में आयोजित युवा उत्सव में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। युवाओं को किया संबोधन। गुजरात के बनासकांठा में दबंगों ने एक युवक को सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक गोदाम में भारी मात्रा में बरामद की गई अवैध शराब। मेवात के जंगल में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। फैक्ट्री से अवैध हथियार बरामद। आरा के एक बराक दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर हुई मारपीट। दूल्हा समेत आधा दर्जन लोग जख्मी। दूल्हे की हालत गंभीर। सोनीपत में शातिर चोर ने मकान से उड़ाए 5 लाख रुपए, 20 तोला सोना और चांदी के आभूषण। घटना सीसीटीवी में कैद। भौरागढ़ में स्कूल के अंदर शराब के नशे में झूमते दिखे शिक्षकों और स्टाफ का वीडियो वायरल। जांच जारी। सूरत में पिस्टल लेकर ईद बनाना पड़ा 3 युवकों को महंगा। वीडियो देखकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में दुकान में लगी आग से फटा गैस सिलेंडर। दुकान में सो रहे 2 बच्चों की आग की चपेट में आकर मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा में बरातियों में हुई जमकर मारपीट। पिटाई का वीडियो वायरल। हरदोई में युवकों ने महिला के साथ की सड़क पर मारपीट। वीडियो आया सामने। देवरिया में नाबालिग ने रुपयों से भरा बैग कार से उड़ाया। घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ पुलिस और वकील में जमकर झड़प। थाने के अंदर का वीडियो वायरल। आजमगढ़ में अतिक्रमण हटाने को लेकर मचा बवाल। एसडीएम ने धरने पर बैठे सड़क पर लोगों से की नोकझोंक। नारेबाजी का वीडियो वायरल। दरभंगा पहुंचे रामायण सीरियल के भगवान राम, अरुण गोविल और सीता दीपिका। मीडिया से बातचीत में कहा, मिथिला की हर बेटी के अंदर है सीता। अयोध्या में राम मंदिर के बाद सीता की जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण को लेकर बड़ी खबर। जनवरी से लेकर अब तक आई रिपोर्ट में दर्ज 12 बाघों की मौत। धौलपुर में गुम हुए बेटे को पिता ने कई प्रदेशों में ढूंढा। 24 साल बाद पुलिस ने बताया जेल में बंद है बेटा।